एजुकेशनल वीडियोस। और आज की सीरीज का अपना टॉपिक जो रहने वाला है वो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या बी आर्क। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एक बहुत ही फेमस कोर्स है नॉन मेडिकल के बच्चों का या जिनके पास 12th क्लास के अंदर मैथ होती है। तो चलिए अपन देखते हैं इस स्लाइड के अंदर। पहले अपने को देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन, फिर ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, फिर सब्जेक्ट्स कौन से रहने वाले हैं, एग्ज़ाम कौन से हैं जिनको एग्ज़ाम आप देखें गवर्नमेंट कॉलेज में या अच्छे कॉलेज में एक एडमिशन ले सकते हैं, फिर टॉप कॉलेजेस कौन से हैं और उनकी फीस क्या होने रहने वाली है, फिर आपके कोर्स के बाद में आपकी जॉब या सैलरी क्या रहने वाली है, और लास्ट में कंक्लूजन। ये हमारी तरफ से एक ऑप्शनल या एडिशनल पॉइंट आपको दिया जाता है ताकि आप राइट डिसीजन ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। बी आर्क या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इज एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। एक यूजी कोर्स है, मतलब इसको 12th क्लास के बाद में किया जाता है। दिस 5-year फुल टाइम प्रोग्राम इज ब्लेंड ऑफ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट टू लर्न द आर्ट ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस काइंड। तो बी आर्किटेक्ट के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है या किसके बारे में बताया जाता है, तो कैसे आपको घर बनाना है, प्लानिंग क्या होगी, डिजाइनिंग क्या होगी, और फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे उसका खड़ा करें या कहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसी के लिए आपको बी आर्किटेक्चर या बी आर्क करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 to 5 year अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 5 year का कोर्स है ये। अब बात करते हैं अपन ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, मतलब बी आर्किटेक्चर आपको करने में कितना टाइम लगेगा। आर्किटेक्चर डिज़ाइन इज ए मल्टी फैसिलिटेड प्रोफेशन इन विच क्रिएटिव एंड टेक्निकल सोल्यूशन आर अप्लाई टू अचीव टू बिल्ड इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या होता है, आपको आपकी नॉलेज किस में होनी चाहिए, क्रिएटिव और टेक्निकल होने चाहिए, आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए। देयरफॉर द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ मैंडेटेड ए 5-year प्रोग्राम। यस, आपको पता चल गया कि इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, 5 year, मतलब आपके 10 semesters रहने वाले हैं। कैंडिडेट अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू होन देयर स्किल्स एंड प्रिपेयर देमसेल्फ टू बिकम ए इफेक्टिव आर्किटेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या बताया गया कि 5 year का कोर्स रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 semesters होंगे। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कई यूनिवर्सिटियों में के अंदर 8 semesters का भी होता है ये बी आर्किटेक्ट, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें उसमें कन्फर्म करिएगा। तो इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप क्रिएटिव बने और टेक्निकल सॉल्यूशन देने पड़ेंगे आपको लोगों को, इसलिए आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन बी आर्किटेक्चर कर सकता है या कौन कौन स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड देयर 10+2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब आपका मैथ होना, अगर आपको बी आर्किटेक्चर करना है तो आपका मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथ ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। उसके बाद में आपके पास एडिशनल में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बायो, कॉमर्स, कुछ भी हो। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या रहना है, दे मस्ट हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम 50% मार्क्स, 45 marks फॉर रिजर्व कैटेगरी इन 10+2। मतलब जिन कैंडिडेट्स के 12th क्लास के अंदर 50 से ऊपर मार्क्स है, जनरल वालों के लिए 50% से ऊपर मार्क्स है, वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होते हैं। स्टूडेंट शुड हैव पास्ड 10+3 डिप्लोमा एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विद 50% एग्रीगेट्स। इसको अपन बोलते हैं कि बैकडोर एंट्री इन बी आर्किटेक्चर। इसके अंदर अगर आपने 12th क्लास के बाद 1 साल का डिप्लोमा किया है आर्किटेक्चर के अंदर, तो उसके बाद में आपको सीधा बी बैचलर वाली डिग्री के अंदर सीधा आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो ये भी आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप 12th के बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा कर लिया है आर्किटेक्चर के अंदर, तो आप अब बैचलर डिग्री कैसे करें, तो उसके लिए आपको सीधा सेकंड ईयर में एंट्री मिल जाएगी, जिसको अपन लेटर एंट्री भी बोलते हैं, और आपको 50% मार्क्स चाहिए। ये हो गया अपना स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये ओवरव्यू, इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसके अंदर पढ़ाया जाएगा आपको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल थ्योरी, आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केप डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बिल्डिंग मटेरियल एंड विजुअल आर्ट्स। ये ओनली फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको इस कोर्स के दौरान पढ़ाए जाएंगे।
तो एक बार आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में भी सर्च कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले तो आपको उसका बेसिक्स पता होना चाहिए, या उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। एग्ज़ाम्स, कौन से मेन एग्ज़ाम है या कौन से एग्ज़ाम है जिनके बाद आपको एक अच्छे बी आर्किटेक्चर के कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है या यूनिवर्सिटी के अंदर। उसमें पहला एग्ज़ाम है CUCET, NATA, BVPCET, AAT, MHT CET, CPT, MAH, MArchitecture CET। तो फ्रेंड्स ये कुछ 7 से 8 एग्ज़ाम के नेम हैं, पॉपुलर एग्ज़ाम्स नेम हैं, जो आपको गवर्नमेंट एज वेल एज टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको बी आर्किटेक्चर करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इन एग्ज़ाम को देने के बाद आपको वन ऑफ द फेमस कॉलेजेस और उनके हाईएस्ट प्लेसमेंट वाले जो कॉलेजेस हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्लाइड पे। अब कॉलेजेस की बात करते हैं, टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस इसके अंदर लिस्टेड है, उनके ट्यूशन फीस क्या रहने वाली है तो वो बताया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी फीस रहने वाली है आपकी 6.5 लाख। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की 50,000 रहने वाली है, 50K, ओनली 50K। नेक्स्ट कॉलेज अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इसकी फीस है वो 10 लाख रहने वाली है। फिर आता है JNAFAU, एस्पा स्कूल प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसकी फीस रहने अपनी 7.5। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, इसकी अपनी फीस रहने वाली है वो 2.5 लाख। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा, इसकी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 2.13 लाख, मतलब 2,13,000। फिर अब अपन बात करते हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, इसकी अपनी फीस रहने वाली है 2.7 लाख। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी फीस रहने वाली है 6.5 लाख। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी फीस रहने वाली है 6.5 लाख। तो फ्रेंड्स ये आपको जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस थे या जो हाईएस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं उनकी आपको ये बता दिए कि इनकी फीस कितनी है, एक एवरेज फीस है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल के अंदर कितनी फीस लगने वाली है। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे आपको दिख रहा होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर, IIT खड़गपुर के अंदर जो बी आर्किटेक्चर का कोर्स है उसके अंदर केवल 50,000 रुपये आपकी फीस है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा आप एडमिशन लेने से पहले। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जॉब्स एंड सैलरी। PR के बाद में आपको कौन सी जॉब मिलने वाली है, इंटीरियर डिज़ाइनर, सैलरी पर एनम है ये एज ए फ्रेशर है आपकी सैलरी 4 लाख रुपये। डिज़ाइन आर्किटेक्ट, इसकी 4 लाख रुपये। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, इनकी 5 रहने वाली है। इंटीरियर आर्किटेक्ट, इनकी 5.50, मतलब आपकी 5.5 लाख रुपये सैलरी रहने वाली है। अर्बन प्लानर की 5.5 लाख रुपये अप्रोक्स, ये सारी अप्रोक्सीमेटली सैलरी है फ्रेंड्स, इसको एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। ये आपकी वो फील्ड है जहाँ पे आपको जॉब भी मिलेगी, आर्किटेक्चर डिज़ाइनर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, डिज़ाइन मैनेजर, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, सीनियर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। तो ये फ्रेंड्स कुछ जॉब के मेन जो आपको स्कोप थे वो बताए गए कि कहाँ कहाँ पे आपको आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। कंक्लूजन फ्रेंड, कंक्लूजन सभी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हम आपको एक कॉमन कंक्लूजन बताते हैं। बी आर्किटेक्चर कॉल्ड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इज द 5-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्किटेक्चर विच ऑफर्ड आफ्टर कम्प्लीटिंग सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन साइंस बैकग्राउंड, मतलब 12th क्लास के बाद आप भी आर्किटेक्चर कर सकते हैं। द जॉब मार्केट फॉर आर्किटेक्चर ग्रेजुएट इज वेरी प्रोमिसिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट इन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, इंटरनेट मार्केट एज वेल। मीन्स इसका यह है कि आपको अगर आप बी आर्किटेक्चर कर लेते हैं तो आपको इंडिया के अंदर एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया, मतलब फॉरन कंट्रीज के अंदर भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। लोग यहाँ से बी आर्किटेक्चर करके जाके वहाँ अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अपनी वीडियो जिसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई बी आर्किटेक्चर के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।